उतर गई लोही के करेगा कोई तो सोनाली होगा आजकल तो तेरी शर्म उतर रही है। तुम दारूबाज हो और तुम लफंगी हो। दारूबाज कौन होते हैं? दारूबाज आप हैं, आप पीती हैं दारू, लोग आपके प्रूफ लेके घूम रहे हैं, कोई भी कहीं से भी आपको प्रूफ दे देगा कि आप क्या क्या करती हैं। नहीं, मुजरा तो आप खुद करती हैं, वो भी पता नहीं किस किस के सामने करती हैं। तू कुछ बिगाड़ सकती हो तो बिगाड़ के दिखा लेना, मेरे जैसे नहीं है कि नाच गाने करके घूम के मार के कहीं से भी कुछ कर लिया तो औकात में रह। आप देख रहे हैं हरियाणा 36 लाइव, 36 बिरादरी की आवाज। नमस्कार सभी को। बोलते हैं कि जिसकी उधर की लोही के करेगा कोई, तो सोनाली फोगाट आजकल तो तेरी शर्म उतर रही है। क्या बोला है तूने? फेमस होने के लिए क्या क्या बोलती रहती है। कल परसों मीनाक्षी लेखी ने गलत बयान दिया था, उसको मतलब देख के तुमने सोचा कि भाई टीवी की टीआरपी तुम्हें भी मिलेगी तो तुम भी कुछ गलत बयान दे दो। क्या बोला तुमने कि कौन बैठा है बॉर्डर पे? दारूबाज बैठे हैं, लफंगे बैठे हैं। तो मैं तुम्हें चेताना चाहती हूँ कि जो शब्द तुमने उन किसानों के लिए यूज किए हैं ना, वो खुद तुम हो। तुम दारूबाज हो और तुम लफंगी हो। जिसका मन आता है, जो मन आता है बोल के चला जाता है। एसी में बैठे हैं, ये खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं। अगर खा रहे हैं तो अपने बाप की कमाई खा रहे हैं, अपने हक की कमाई खा रहे हैं, तेरे से मांग के नहीं खा रहे। उनका मन करेगा जो खाएंगे, उनका मन करेगा जहां पे रहेंगे। और अगर दोबारा से ये सब शब्द बोलने की हिम्मत की तो हमारे किसान कौन से बुरा कोई नहीं होगा। फेमस होने के और भी बहुत जरिए होते हैं। औरत हो, औरत की तरह रहो। और फेमस होने के लिए अगर तुम्हें करना है, तुम वही करो जिसके तुम लायक हो। तुम नाच गाना कर सकती हो, तुम अपना उसमें करियर चूज कर सकती हो, या तुम पॉलिटिक्स में जा सकती हो, तुम्हारे पास सारे ऑप्शन खुले हैं। पर अगर तुम चाहती हो कि तुम इस तरह से फेमस होना है तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे किसी पे कीचड़ उछाल के तुम कभी भी फेमस नहीं हो सकती, ध्यान रखना। सब लोग उड़ता तीर लेने की कोशिश करते हैं, तो आज वो तीर उड़ता तीर जो है वो सोनाली फोगाट ने लिया है। फेमस होने का और कोई तरीका तो सूझा नहीं मैडम को। उलझुल हरकतें करना उनका शौक है। जब आपको बता दिया गया है कि आपका विरोध होगा तो आप जगह जगह अपनी बेइज्जती करवाने क्यों जाते हो? और दूसरी बात, महिला हो आप, महिला की तरह भाषा यूज किया करो। आपने बोला है कि मेरे को खट्टर की बहू बना दो, ये कर दो, वो कर दो, जो शब्द लोगों ने बोले हैं। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये बोला है कि हमने ऐसी किसी भी गलत शब्दावली का, गलत भाषा का यूज नहीं किया है। आप चाहे तो कोई भी ऑडियो या वीडियो हमारे लिए वायरल कर सकते हैं, ढूंढवाएं वो ऑडियो वीडियो जिसमें वो सब शब्द कहे गए हैं। क्या बोला आपने? बॉर्डर पे कौन बैठा है? पहले बोला था मीनाक्षी लेखी ने मवाली बैठे हैं फेमस होने के लिए, आज आपने बोल दिया बॉर्डर पे दारूबाज बैठे हैं। दारूबाज कौन होते हैं? दारूबाज आप हैं, आप पीती हैं दारू, लोग आपके प्रूफ लेके घूम रहे हैं, कोई भी कहीं से भी आपको प्रूफ दे देगा कि आप क्या क्या करती हैं। मैडम, अगर आपको फेमस होने का शौक है तो आप इंडस्ट्री में जाइए जिसके लिए आप बनी है, टिकटॉक बनाइए, या फिर आप पॉलिटिक्स में गई हुई है तो वहां काम कीजिए। इस तरीके से महिला जाति पे तो कम से कम उंगलियां मत उठवाइए। महिला होने की मर्यादा आप समझिए कि महिला होने की मर्यादा क्या है। आपके लिए लोग क्या क्या गलत शब्द यूज करते हैं और हमें भी उन शब्दों को देख के शर्म आती है, तो कम से कम आप तो शर्म कीजिए। फेमस होने का ये कोई तरीका नहीं होता कि आप किसी पे गलत भाषा का इस्तेमाल कर सके। आपने बोला वहां पे बैठे के मुर्गा खाते हैं, टीवी देखते हैं, नाच गाना मुजरा करवाते हैं। अरे मुजरा तो आप खुद करती हैं, वो भी पता नहीं किस किस के सामने करती हैं। वो सब चीजें बोलनी जरूरी है क्या? खुद की बेइज्जती करवानी जरूरी है क्या? जो चीजें आप बोल रही हैं वो तो सारी आप पे लागू होती हैं। और मुर्गा खाते हैं, एसी में बैठते हैं, तो एसी और मुर्गा क्या आप देके आई हैं उनको? उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया है, एसी में भी बैठेंगे और मुर्गे भी खाएंगे। तू कुछ बिगाड़ सकती हो तो बिगाड़ के दिखा लेना। किसान कौम है, अपनी मेहनत से अपना कमाया हुआ खाती है, तेरे जैसे नहीं है कि नाच गाने करके ठुमके मार के कहीं से भी कुछ कर लिया। तो औकात में रह, नहीं तो तेरी औकात तुझे जल्दी दिखा देंगे। पल पल की अपडेट के लिए हरियाणा 36 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।